बादल आखिरी दिन क्या करके गए आप? ड्यूल रेकर सीपीयू क्लीनिंग प्रोसेस समझी? मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? बादल। बादल, बादल आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से? गुजरात से कहाँ से बादल? दाहोद जिला से। ओके, गुजरात बहुत बड़ी सिटी है और मेरे को एमपी से तो बहुत डेवलप है। एक जोधपुर को कैसा पता चला आपको कि एसर टेलीकॉम में भी या जोधपुर में? पता चला सर आपके ये वीडियो देखकर। तो वीडियो में आपको ऐसा क्यों खास लगा कि आपको एसर टेलीकॉम ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बादल आपके गुजरात में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं? बहुत बड़े इंस्टीट्यूट। हाँ, लेकिन उसकी थियरी मेरे को समझ में नहीं आई। तो आपने जब एसर टेलीकॉम ज्वाइन किया तो एक दिन पहले बादल क्या सोच रहे थे और आज क्या सोच रहे, बिल्कुल साफ स्पष्ट बताओ। जी सर, कैसा लग रहा? डर लग रहा था? पहले डर लग रहा था, अब कुछ नहीं। क्योंकि पहले डर कि यार ये 30 दिन में सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे, यहाँ पर इनका कंसेप्ट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इतनी दूर आया हूँ, है ना, ऐसा लग रहा था क्या? ऐसा लग रहा था। लेकिन बादल आखिरी दिन क्या करके गए आप? ड्यूल रेकर सीपीयू क्लीनिंग प्रोसेस समझी? समझी। यहाँ पर ट्रेसिंग कैसे समझाई जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग की बात करूँ, डायग्नोस की बात करूँ, सॉफ्टवेयर की बात करूँ, आपने सब पूरा कोर्स अटेंड किया है बादल, और MMC की बात करूँ, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना। बहुत अच्छा था MMC का एक्सपीरियंस सर, मिलन सर ने बहुत अच्छे से सिखाया, एकदम इजी वे में। और हार्डवेयर की बात बताइए, हार्डवेयर में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा सर हार्डवेयर में। हार्डवेयर में आपने डैड डायग्नोस और आपके जो डैड फोन है उसको डायग्नोस करना सीखा आपने? जी सर सीखा। हमने एंडलेस सिखा है कि नहीं सिखा है? मतलब जहाँ हमें लगा कि DSO की जरूरत पड़ती है वहाँ हमने DSO की रीडिंग दिखाई आपको? DSO की रीडिंग दिखाई। बादल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जहाँ से जाने का क्या करने वाले हैं? तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे सर जी, फिर मार्केट में बैठे। प्रैक्टिस की जरूरत है? प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत, क्योंकि आप लोग जीरो से ही आए थे ना जी सर, पहले कुछ करते थे क्या? तो बादल आप पहले कुछ नहीं करते थे और आपने सडनली एकदम से इतना सारी चीज़ सीख ली है, तो इसको भुनाने में टाइम लगेगा, आप समझिए। हर चीज़ को अपने आपके अंदर लेने में टाइम लगेगा और उस चीज़ के लिए आपको खुद पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीख तो ली हैं और आपने ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल भी किया है, पर वही चीज़ आप 4-5 बार दोहराएंगे उसको, तब आप कस्टमर के साइड में बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट कस्टमर का सेट लिया और CPU रिबॉल कर गए, ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। हमारे कोई से भी दुनिया के इंस्टीट्यूट से सीख लो, ऐसा कोई भी नहीं करें। मैं बादल से और एक पूछना चाहता हूँ कि बादल, सवाल ही नहीं होता है, बादल से सभी पूछ लिया, क्या कोई नहीं, सो कट कर लेंगे। सो बादल थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए इतनी दूर और हम पे भरोसा रखा, आप ऑल द बेस्ट और यहाँ हम ऑलवेज आपके साथ सपोर्ट में। IC से लेके 4G CPU से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?